पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बराऊ के पास शाहपुर गढ़वा मुख्य मार्ग पर चढ़वना के पास कार की चपेट में आने से नरसिंहपुर पथरा के वशिष्ठ महतो के पुत्र उदल प्रसाद चौरसिया, उनके पोता रोहित कुमार व कोटा गांव मधु मेहता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में इलाजरत एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। अब तक एक बच्चा सहित 4 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है, जबकि इस घटना में 13 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया गया है। घटना करीब रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शाहपुर गढ़वा मार्ग स्थित चढ़वना टोला में दोगोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्थानीय व आसपास गांव के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। इसी क्रम में कार चालक ने पैदल चल रहे व्यक्तियों को रौंद दिया। कार चालक भागने के क्रम में अन्य 13 लोगों को भी चोटिल कर वहां से भागता है, जिससे कुछ घायलों की स्थिति गंभीर हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद चालक 1 किलोमीटर आगे कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद चैनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही थी। घायलों को इलाज के लिए चैनपुर उत्तरी के पूर्व जिला पार्षद विकास कुमार चौरसिया के द्वारा और वहां के स्थानीय मुखिया के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं विकास चौरसिया ने बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों से बात की है। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने अपनी संवेदना जताई है। CM ने कहा है, पलामू के चैनपुर क्षेत्र में बराऊ के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई एवं अन्य के घायल होने की दुखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। जिला प्रशासन द्वारा घायलों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसका कोई परिजन नहीं, जो हम लोग खड़े हैं और भी लोग, एक्सीडेंट हुआ है वही इसका भी परिजन है, मान लीजिए। तो आप इसकी व्यवस्था करवाइए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।